गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फोतेदास किचन। ये एवोकाडो सैंडविच है, बहुत हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी है और ये बहुत झटपट बन जाता है। इसे कैसे बनाते हो मैं आपको बताती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं एवोकाडो सैंडविच। ये एवोकाडो है, इसको प्रेस करके देखना, ये नरम थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो मतलब ये तैयार है। आप तो इसको हम कट कर सकते हैं ऐसे। इसका स्किन पूरा निकालना है। तरह ग्रेट करना है इसको। ये पूरा मैंने ग्रेट किया है और इसके अंदर से ये जो है ना सीड वो आपको डिस्कार्ड करना है। अगर इसको आप ब्रेड के ऊपर एज सैंडविच बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनियन और टमाटो डाल सकते हैं, तो मैं वो नहीं पसंद करती हूँ। इसमें मुझे प्लेन ही चाहिए, तो इसमें सॉल्ट एंड पेपर है वो मैं इसमें छिड़कूँगी। ये बहुत इजी है, अगर आपके घर में कभी गेस्ट आने वाले हों तो आप झटपट से ये बना सकते हैं। बहुत हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है और अच्छा भी लगेगा, डिलीशियस है। तो ये ब्रेड मैं टोस्ट करूँगी पहले, उसके बाद में मैं इसका सैंडविच बनाती हूँ। ब्रेड को टोस्टर में डालते हैं। इसको टोस्ट होने देते हैं। ब्रेड टोस्ट हो चुका है तो उस पर मैं ये एवोकाडो लगाऊंगी। थोड़ा और सॉल्ट एंड पेपर, बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मैंने थोड़ा प्याज और टमाटर भी काटा है, दो में प्लेन रखूँगी और दो में थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करूँगी। और ऊपर से सॉल्ट और पेपर।
ये बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी हैं और अच्छे भी दिखते हैं, सुंदर भी दिखते हैं और झटपट बन जाते हैं। मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए हैं और आप पे कुछ सर्व करना चाहती हैं तो ये बहुत फटाफट बनते हैं, 5-10 मिनट में ये नाश्ता बन जाता है। तो एंजॉय कीजिए।